तो हेलो एवरीवन, इट्स अराउंड 8 इन द मॉर्निंग। आज मैं राइड पे गया तो बारिश होगी, सो हमारी फर्स्ट राइड होगी जो रेनी राइड होगी। और आज मैंने अपनी न्यू बिप शॉर्ट्स भी डाली हैं, सो मैं इनको टेस्ट कर रहा था और अच्छा खासा टेस्ट हो गया क्योंकि आज बारिश भी हो गई है। तो इसका जो पैड है अभी तक मुझे काफ़ी अच्छी राइड दे रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल है और ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो कभी कभी जो पैड्स होते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो मुश्किल रहती है राइड करने में। और हमारी जार्विस बाइक पूरी अभी गिली हो गई है, इसकी मैंने सर्विस करवानी है। अच्छा मैंने नहीं करवाई, अगर सर्विस करवा के राइड पे जाता मुझे बहुत दुख होता क्योंकि इसकी सारी अब सारी जो ग्रीसिंग है सारी ख़राब हो चुकी है और बाइक बिल्कुल गंदी हो गई है। और इसमें मैंने रखा हुआ था हमारा सारा स्टफ़, कैमरा, फ़ोन, ईयरफोन्स, जो मैं वैसे यूज़ करता नहीं बट मैं फिर भी सेफ्टी के लिए आता हूँ, अगर कभी कॉल आ जाए कोई तो बात करने के लिए ईजी रहता है। सो मैं अभी हूँ 42 की लेक पे, यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेदर हो रहा है, काफ़ी ठंडा वेदर हो गया अब तो। अब तो मेरे को लगता है समर्स उतना शायद ना आए पीक पे जितना पहले पीक पे आ गया था। हीट वेव तो चला गया है तो अब मानसून आ गया है। तो अगर मानसून आ गया तो मैंने सोचा क्यों ना हम मानसून पे एक वीडियो बना लें कि हम मानसून में कैसे राइड करें। जितना ईजी लगता है रेन में राइड करना उतना होता नहीं है, कुछ कुछ टिप्स हैं जो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, काफ़ी हमारा राइडिंग का जो एक्सपीरियंस पूरा चेंज कर देती हैं। मेरे लेंस पे शायद पानी आ गया कि मैं साफ़ कर लूँ इसको। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि हम कैसे राइड करें मानसून में, तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं। ये हमारी डेली सीरीज चल रही है अगर फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स। सो हम इसमें एक तो डाइट देखते हैं कि हमारी जो फैट लॉस की डाइट वो कैसे चलती है, साथ साथ हम देखते हैं कि हम जो मानसून है उसमें कैसे राइड करेंगे क्योंकि अब मानसून आ गया है। तो काफ़ी राइडर्स ऐसे होते हैं कि अब मैं फैट लॉस कैसे करूँ, अब तो मेरे को शायद राइड हो नहीं पाएगी बारिश आ गई, बट ऐसा नहीं होता। हम थोड़े से चेंजेस करेंगे हमारे जो आउटफिट में, हमारे साइकिल में, हमारी डाइट में, हमारा साइकिल के मेंटेनेंस में, उससे सब कुछ इजी हो जाएगा और आप इजीली राइड करोगे। मानसून इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सीज़न राइड करने के लिए, बट थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बट स्टिल बेस्ट होता है, काफ़ी अच्छा वेदर होता है, काफ़ी अच्छा व्यू आता है। सो अब मैं घर चलता हूँ जल्दी क्योंकि कैमरा गीला हो जाएगा, काफ़ी बारिश होने तेज़ हो रही मुझे लग रहा है। तो आपको मिलता हूँ घर जाके। सो मैं बैक हूँ और जो शूज़ है वो बिल्कुल वेट हो गए हैं और जो सॉक्स और जो लोअर सारी बॉडी है बिल्कुल एकदम वेट है और काफ़ी डर्ट और सारा स्लश लग चुका है। सो अभी मैं फटाफट शावर लेता हूँ। ये इसलिए हुआ बिकॉज मैं बिना किसी तैयारी के गया था इस राइड पे, मुझे पता नहीं था कि मानसून आ गया और इतनी बारिश हो जाएगी। बट आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे उसके बाद जो राइड होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, शूज़ कभी गीले नहीं होंगे और ये लोअर बॉडी वो भी काफ़ी साफ रहेगी एज कम्पेयर टू नाउ। सो आई विल टेक शावर एंड नीड टू हैव द ब्रेकफास्ट। इट्स अराउंड 3 in the afternoon, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने खाया कॉर्नफ्लेक्स और लंच में मैंने खाया था चने एंड 2 रोटी। सो आज का मेरा जो डाइट है वो अभी तक ठीक चल रहा है और जो वर्कआउट है वो भी काफ़ी अच्छा हो सुबह। सो हम बात कर रहे थे मानसून के बारे में। सो मानसून आ गया बट अभी बाहर धूप आ गई है, बट फिर भी मानसून आने वाला, तो उसके हम बात कर लेते हैं क्योंकि आने वाला ही है वैसे भी मानसून। तो मानसून में हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी राइडिंग की एक्सेसरीज हैं, जो हमारी राइडिंग का जर्सी है वो काफ़ी मैटर करता है। जैसे आपकी जो साइकिलिंग जर्सी है आप ये कर सकते हो कि आप जब भी जर्सी डालो उसके अंडर कुछ ना डालो ताकि आपका फ्रिक्शन कम हो विद द स्किन, क्योंकि स्किन जब थोड़ी वेट हो जाती है तो सॉफ्ट हो जाती है तो उस पर रैशेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और बैक्टीरिया भी ज़्यादा ईजिली वो एब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर आप जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनको ज़्यादा समझ आएगा, मैं तो नॉन मेड का था, इंजीनियरिंग करी है तो मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, बट जहाँ तक मुझे पता है कि वेट स्किन पे इजी होता है आपकी कोई इरिटेशन होना। और जब आप शॉर्ट्स डाल रहे हो या आप कोई भी नॉर्मल अपना लोअर डाल रहे हो, शॉर्ट्स के अंदर तो आपने डालना ही अंडरवियर, बट जब आप लोअर के अंडरवियर डाल रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि वो ज़्यादा टाइट ना हो ताकि आपको रैशेज ना हो जाएं जब आप राइड कर रहे हो। वैसे तो मेरी ये सजेशन होती है कि आप एक शॉर्ट्स ले लो, जैसे जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने अपनी बिप शॉर्ट को अनबॉक्स किया तो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हो। हाइट की बिप शॉर्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, मैंने उनको बाय चांस ही आज जैसे डाला तो उनका फर्स्ट राइड ऐसा हो गया कि बारिश में धोना पड़ गया उनको, तो पूरा उनका टेस्ट हो गया तो वो पास हो गए टेस्ट में मेरे हिसाब से तो। एंड टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग इज़ दैट कि जब आप अपनी बाइक को मेंटेन कर रहे हो तो काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा आपको इस थोड़े से पीरियड में, मानसून का पीरियड है जो, क्योंकि मानसून के पीरियड में क्या होता है हमारी बाइक पे रस्ट लग जाता है। रस्ट काफ़ी लगना ईजी हो जाता है क्योंकि हमारी बाइक वेट होती है और हम उसको खड़ा देते हैं तो एयर के कॉन्टेक्ट में आके बाइक पर रस्ट लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, जो आप बाइक लेके आए राइड के बाद उसको थोड़ी देर आप रख दो, फिर जितना जल्दी हो सके उसको आप पानी से वॉश कर दो ताकि जो स्लश है उतर जाए, उसके बाद थोड़ी सी बाइक ड्राई हो जाएगी, फिर आप उस पर ल्यूब कर दो। ल्यूब चेन पे करना है और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि डस्ट हो सकता है वहाँ पे कर सकते हो आप। ये होगी बात जर्सी की और मेंटेनेंस की। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप राइड कैसे करोगे कि आपका कम डर्ट आपको अट्रैक्ट हो, स्लश कम लगे, तो आप मड गार्ड लगा सकते हैं बाइक पे। रोड बाइक्स के लिए काफ़ी कम मड गार्ड्स आते हैं, मैंने खुद एक मड गार्ड लिए हुए जो बीटवीन के हैं, एक्चुअली वो बीटवीन माई राइड की है क्योंकि उनका 700 CE का टायर होता है, एक वो बाइक का मैंने लिया हुआ है और वो मेरी बाइक पे फिट हो जाते हैं, काम चल जाता है। रोड बाइक्स पे काफ़ी मुश्किल है, आप माउंटेन बाइक ले रहे हो तो आप काफ़ी लगती है, माउंटेन बाइक में तो काफ़ी तरह के मड गार्ड आपको मिल जाएंगे, हाइब्रिड बाइक में मिल जाएंगे, रोड बाइक थोड़ा मुश्किल आता है, तो वो हम किसी जैसे काम चलाऊ तरह के मडगार्ड लेके काम कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो आप कर सकते हो, आप अपने साथ एक पॉलीथीन हमेशा रखना ताकि जब आप जो एक्सेसरीज है जैसे फ़ोन, मेरा कैमरा था,
तो मैंने काफ़ी सब कुछ उसमें रख लिया था, मैंने वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया, तो वो एक टिप हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट टिप इज कि आप अपने आप हाइड्रेशन भी लेके जाओ। मानसून में हमें कैसा लगता है कि ठंडा सब कुछ अच्छा वेदर है, तो मानसून है तो हमें जरूरत नहीं है हाइड्रेशन की। हाइड्रेशन की काफ़ी जरूरत पड़ती है हमें राइड करते हुए, स्पेशली इन द मानसून, क्योंकि उसमें हमें क्या होता है, हमें पता नहीं लग रहा था हम स्वेट करना जा रहे हैं और हम राइड करते रहते हैं, फिर हमारा स्वेट निकलता है, हम डिहाइड्रेट काफ़ी जल्दी जाते हैं। तो हमें उस टाइम में एक अच्छे हाइड्रेशन की, एक्चुअली मैंने फ़ैन बंद किया हुआ था कि आवाज़ थोड़ी क्लियर है, तो गर्मी काफ़ी लग रही है। सो एनीवेज ये थे हमारे पॉइंट्स जो आपको मानसून में याद रखने जब आप राइड कर रहे हो। और एक पॉइंट ये कि जब आप अपनी जर्सी ले रहे हो, सब कुछ आपने डाल लिया, एक और काफ़ी बड़ी चीज़ है बालकलावा, आप अपने फेस को पक्का कवर रखना, क्योंकि हम राइड करते हैं ना, जो फ्रंट टायर होता है उसके घूमते हुए से ना हमारा स्लश फेस पे आ सकता है, तो वो काफ़ी हमें इरिटेशन देता है अगर हमारे फेस पे लग जाए या फेस के अंदर ही इनहेल हो जाए हमसे। तो आप एक बालकलावा ले लो, उसको अपना फेस कवर कर दो, एक शेड ले लो जो ट्रांसपेरेंट हो, वो थोड़ा फोगअप होंगी मुझे पता है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा अगर आपको वो इन्जॉय करना है मानसून का सीज़न, तो थोड़ा सा हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज कि आप जब भी ऐसे राइड कर रहे हो तो हेलमेट जरूर डालना, हेलमेट के बिना राइड मत करना, क्योंकि ये जो मानसून सीज़न है इसमें स्लिपरी हो जाती है रोड्स, तो स्लिप होने के चांसेस अभी बढ़ जाते हैं, तो क्रैश हो सकता है, आप अपना सेफ्टी रखना। अभी हो रहे हैं जैसे मैंने कहा कि 3 बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि सेक्टर 22 जाऊँगा अभी, वहाँ पर जाके मुझे ये कैमरा का माइक अडेप्टर लेना है, सो दैट हमारा जो ऑडियो क्वालिटी हो थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए, ताकि मुझे ऐसे फैन बंद करके ना खड़ना पड़े। सो गाइस आई रीच एट द सेक्टर 22 मार्केट, और अभी यहाँ पर काफ़ी रश है आज, एंड नाउ वी विल सी कि यहाँ पर अडेप्टर मिलता है नहीं, बिकॉज 22 ऐसा सेक्टर इकलौता है जहाँ पर कैमरा की एक्सेसरीज मिलती है, ये वाला कैमरा भी मैंने यहीं से परचेज़ किया था। सो लेट्स होप कि हमें अडेप्टर मिल जाए, ताकि जो हमारी ऑडियो क्वालिटी है थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी इसमें कमी है ऑडियो में हमारे। सो गाइस आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च अभी हमें नहीं मिला अडेप्टर, बिकॉज मैंने 2-3 शॉप्स में देखा, एक ने जो Insta R1 है उसका लगवाया, उसका कंपेटेबल नहीं आया, फिर हमने GoPro वाला भी लगाया, वो भी कंपेटेबल नहीं हुआ, इसको स्पेसिफिक इसका ही कंपेटेबल होगा, सो उसको शायद ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, बाकी सब अवेलेबल है, बस Insta 360 का अवेलेबल नहीं है, बिकॉज लोग लेते नहीं है ना Insta 360 को, लोग ऐसे लेते हैं कि बस थोड़ा शूट करने के लिए, एक्शन शूट किया। सो इट्स अराउंड 8 इन द इवनिंग, और मैंने अपना शावर लिया एक बार और थोड़ा सा ट्रिम किया, एंड माई बाइक इज़ ऑल सेट फॉर टुमारोज राइड, माई बाइक फ्रॉम दैट मीन्स दैट माई MTB इज़ रेडी। एक्चुअली कल मैं MTB पे राइड करने जा रहा हूँ, जा रहे हो इसका तो काफ़ी बुरा हाल हो गया, इसकी सर्विस होने के बाद ही इस पर राइड कर पाऊंगा। सो इसको अभी हम ऐसे रख देते हैं, क्योंकि इसकी मैंने चेन साफ कर दी थी, इसको थोड़ा सा ल्यूब कर दी ताकि रस्ट ना हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमें नहीं करना चाहिए मानसून में, एंड जो इसके बाकी पार्ट्स हैं वो सब वैसे के वैसे रहेंगे। इसको शायद मैं इस वीक में या इस वीक के सैटरडे तक करवा लूँगा, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ, कल मेरे को याद आई, कल तो मेरी अपॉइंटमेंट है अपनी जो शेरशाह बाइक है, मतलब क्लासिक 350, उसकी सर्विस की अपॉइंटमेंट है शायद कल, तो मेरे को उसको लेके जाना पड़ेगा कल, तो इसकी सर्विस कल नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो वाली बाइक है वो फिर मेरे को जॉब पे जाना है, तो वो चाहिए होती है रोज़, मतलब उसके बिना काम चलेगा नहीं। इसको तो मैं फिर भी खड़ा सकता हूँ जा रहे हो, इसको हमारे पास MTB है, तो MTB पे राइड कर लेंगे इस वीक में, और इसको थोड़ा सा रेस्ट देते थोड़ी देर, क्योंकि इसको मैंने आई थिंक नेशनल के बाद से इसको यूज़ कर रहा हूँ, बीच बीच में MTB यूज़ हो रही थी, तो MTB का अब थोड़ा यूज़ करते हैं, उस पर ट्रेल्स तो शायद नहीं कर पाऊंगा बट रोड पे चला लूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों का डाउट ये भी होता है कि फैट लॉस में हमें MTB चाहिए नहीं। सो अब आप देख लेना कि MTB पे हम राइड करेंगे फैट लॉस करने के लिए भी, सो वो भी ठीक रहेगा। हाइब्रिड बाइक होनी चाहिए, वैसे हाइब्रिड बाइक बाहर खड़ी हुई है, वो भी शायद मैं कर सकता हूँ, पर उसको थोड़ा रेडी करना पड़ेगा, ये मैंने रेडी कर रखी हुई थी MTB, वो काफ़ी देर से खड़ी है ना, तो उसको रेडी करना पड़ेगा, अभी टाइम है नहीं, क्योंकि जो आज का व्लॉग है वो एडिट करना है और अपलोड करना है, फिर कल का मुझे कल का देखना होता है कि कल क्या एडिट होगा, क्या कल शूट होगा, तो मुझे वो सोचना होता है। अभी जो मेरे क्लीट्स हैं वो पूरी तरह से वेट हैं, इनको भी थोड़ी धूप लगवाऊंगा कल। और टॉकिंग अबाउट अनदर थिंग इज़ दैट कि मेरे पास एक और पार्सल आया आज, जिसकी अनबॉक्सिंग हम कल करेंगे या मंडे को करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा मेरे को आपको समझाना पड़ेगा कि वो पार्सल है क्या, काफ़ी एक्साइटिंग सी चीज़ है, तो मैं छोटी सी फटाफट नहीं अनबॉक्स करूंगा उसको, धीरे से आपको अच्छे से समझाऊंगा, धीरे से मतलब थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा। सो आई गेस अभी मैं डिनर करूंगा, डिनर में बनी है दाल और उसका 2 रोटी लूंगा और सैलेड, तो ये हमारा आज का डिनर होगा। आज का डे काफ़ी हेक्टिक तो नहीं था, बट ऐसा था कि हर टाइम काम हो रहा था, सुबह राइड हुई फिर वापस आके सब क्लीन किया, उसके बाद एडिटिंग करी अपलोड किया, फिर मैं वहाँ मार्केट गया, वहाँ पर मिला नहीं आज, बट एनीवे मिलेगा शायद, एक थोड़ा रिसर्च करना ही पड़ता है मेरे को, कैमरा के टाइम भी काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है कौन सा लूँ, GoPro लूँ या Insta 360 लूँ, तो Insta 360 आई थिंक मैंने सही इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे काम काफ़ी आया इसका अभी तक। सो दिस वॉज फॉर द व्लॉग, आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय।